जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। माता रानी आपके अखंड सौभाग्य की हमेशा रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस वीडियो में वट सावित्री व्रत की सरलतम पूजा विधि और कुछ खास उपाय जो कि सौभाग्य में वृद्धि और पति की निरंतर उन्नति के लिए होंगे, देर न करते हुए शुरू करते हैं। 19 मई दिन शुक्रवार के दिन इस वर्ष अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत किया जाएगा। कई क्षेत्रों में यह पूर्णिमा के दिन किया जाता है, परंतु कई क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत अमावस्या के दिन किया जाता है। तो आपके क्षेत्र में पूर्णिमा को करें या अमावस्या को, एक दिन चुनाव करते हुए आप अपने व्रत को जो है पूर्ण करने का प्रयास करें। इस व्रत की जितना ही महिमा की जाए उतनी कम है। सत्यवान को काल के मुख से जो है सरस्वती इस व्रत के प्रताप से ही प्राप्त कर पाई थी। साथ ही इस व्रत में महादेव और माँ पार्वती की पूजा का भी विधान है। आप सभी सरलतम तरीके से एक थाली का निर्माण कर लीजिए, जिसमें आप सभी को वट सावित्री व्रत की पूजा की सामग्री रखनी होगी। आप सभी भी जो है पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाए लाल या पीले रंग के या हरे रंग के वस्त्रों का, जो कि सुहाग की निशानी के रूप में देखे जाते हैं, उनका चुनाव कर लीजिए। साथ ही महावर, मेहंदी, रोली, चंदन इत्यादि जो आपके 16 श्रृंगार का रिवाज है उसे कर लीजिए। आपके पास नई साड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी भी साड़ी धुली हुई होनी चाहिए, साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। अब आप सभी को क्या करना होगा कि एक दिन पहले ही पूर्ण रूप से अमावस्या की तिथि भी है तो अमावस्या पितरों को समर्पित है, ऐसे में आप सभी पूर्ण रूप से पितरों के लिए भी कुछ ना कुछ एक समय का भोजन निकालें। किसी भी व्रत पूजा पाठ को संपन्न करने के लिए, जैसे हमारा व्रत रहता है तो एक समय का भोजन, हम जैसे कुछ एक समय के भोजन में कुछ दक्षिणा इत्यादि देकर पंडित जी को देते हैं, जिससे कि हमारा व्रत जो है परिपूर्ण माना जाए, तो वह निकाल लीजिए। पूजा सामग्री देखिए सभी क्षेत्रों में अलग अलग सब तरह से होती है। उत्तराखंड इत्यादि में सामान्य सरल तरीके से की जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अलग तरह से होती है। तो ऐसे में यूपी बिहार इत्यादि में पंखा और चने की दाल, जो चने होते हैं काले चने, वह भिगो लिए जाते हैं एक दिन पहले, और उसके साथ ही पूड़ी और गुलगुले इत्यादि भी बनाए जाते हैं। परंतु कई क्षेत्रों में पूड़ी गुलगुले न बनाते हुए अन्य सरल तरह का या तो चूरमा का या आटे का सामान्य प्रसाद या हलवा इत्यादि बना लिया जाता है, वह भी आप अपने क्षेत्र अनुसार कर लीजिए। अब कई क्षेत्रों में जो बट के पत्ते होते हैं उनका श्रृंगार किया जाता है महिलाओं को। आप जो है बट के पत्ते इत्यादि श्रृंगार के रूप में महिलाएं बालों में भी लगाती है, गले में भी माला के रूप में पहन देती हैं, हाथ में भी। अपना अपना रिवाज है, अपना जो है सही है, जो है वह बहुत सुंदर है। भारत रंगों का देश है, सब सर्वश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। अब एक थाली तैयार कर लीजिए, जिसमें रोली, चंदन, मोली इत्यादि और जो पूजा की सामग्री होती है वह रख लीजिए। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से बट वृक्ष के पास चले जाना है। बट वृक्ष काफ़ी दूर है, तो एक दिन पहले ही बट का जो है एक जिसमें पूर्ण रूप से पत्तियां लगी हो, एक टहनी लाकर किसी गमले इत्यादि में रख लीजिए। ठीक है, रख लिया। अब आप सभी घर पर पूजा कर रहे हैं तो भी यही विधि होती है। अगर आप जो है मंदिर में जाकर बट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो भी यही विधि होती है। कई क्षेत्रों में पंडित जी आते हैं, सामूहिक रूप से पूजा करवाते हैं, सभी को कथा सुनाते हैं। परंतु कई क्षेत्रों में हम अकेले भी रहते हैं तो हमें स्वयं से भी पूजा करनी होती है। तो आप सभी को पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाना होगा। आप जो है लाल, जैसा मैंने कहा, वस्त्रों का चयन कर लीजिए, थाली सुसज्जित कर लीजिए, दुर्वा इत्यादि रख लीजिए, फूल फल जो भी मौसमी है, खरबूजा, तरबूज या जो भी आम, केला इत्यादि मौसमी फल है वह रख लीजिए। प्रसाद के रूप में जो आपकी इच्छा सामर्थ्य है, मिठाई इत्यादि वह रख लीजिए। आप सभी को कच्चे सूत की आवश्यकता पड़ेगी, मौली की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी वस्त्र रूप में समर्पित करेंगे, कच्चा सूत नहीं है तो मौली से भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा आप चाहें तो 13 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 108 या 3 भी परिक्रमा लगाने का विधान है। सभी का अपना अपना चलन है, सर्वश्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। तो आप सभी को यह सारी चीजें ले जाकर जल का पात्र भी लेकर जाइए, या जहां पर भी पूजा कर रहे हैं जल के पात्र में रोली, चंदन, मोली इत्यादि। इस दिन शनि अमावस्या भी आ रही है तो आप सभी थोड़ा काले चने, काले तिल भी डालिएगा, यह भी सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा उपाय के रूप में। आप सभी को यह सारी चीजें लेकर बट वृक्ष के पास चले जाना होगा। आप चाहें तो अखंड दीप लगा लीजिए, नहीं तो यह आवश्यक नहीं है, सामान्य सबसे पहले एक दीपक लगा लीजिए। सभी देवी देवता अपने पितृ और महादेव माँ पार्वती का आवाहन करते हुए थोड़ा सा चावल अपने दाहिने हाथ में वो रखें और उसके ऊपर फूल रख लीजिए। नाम और गोत्र बोलते हुए आप सभी जो है
सभी का आवाहन करते हुए कहें कि हे प्रभु, आज आपका यह व्रत मैं संपन्न करने जा रही हूँ। आप मैंने व्रत किया है, आपकी पूजा करने जा रही हूँ। मेरे व्रत पूजा पाठ को संपन्न करें और इसे जो है इसका मुझे उचित फल दे और मेरे परिवार में उन्नति करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अक्षत को जो है जमीन पर छोड़ दीजिए संकल्प के। अब हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, जल के छींटे अपने ऊपर भी और बाजार से लाई हुई सभी सामग्रियों पर डाल दें। इसके बाद गणेश जी महाराज को आप विराजमान कर लीजिए। आप चाहें तो कोई मूर्ति फोटो है तो उन्हें रख लीजिए, नहीं तो सुपाड़ी के भी आप गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं। अब आप सभी को इसके बाद जो है गणेश जी महाराज को जो भी दुर्वा, रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित सुपाड़ी इत्यादि कर दीजिए। साथ ही अब बारी आती है वट वृक्ष की। वट वृक्ष में भी आप सभी रोली, चंदन, मोली इत्यादि सबसे पहले तो जल समर्पित करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उसके बाद जो है रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करें। अब बारी आती है परिक्रमा की। कच्चा सूत न हो तो मौली ले सकते हैं, आप जो है परिक्रमा करें, निरंतर प्रभु का ध्यान करें, स्मरण करें और ऐसी कामना करें कि इससे मेरे पति बच्चों की खूब लंबी उम्र होगी। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से यह जो है परिक्रमा पूजा पूर्ण करनी होगी। वहीं पर बैठकर आप सभी यह वट सावित्री व्रत की कथा का जो है श्रवण करें। कोई मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो वह भी कर लीजिए, नहीं तो सामान्य तौर पर इस व्रत में कथा सुनी जाती है। वहाँ पर बैठे हुए सभी बड़े बूढ़ों को प्रणाम करें। अगर उन्हें कुछ सामग्री का दान करते हैं न सुहाग की, तो यह तो सौभाग्य में वृद्धि करता है। ब्राह्मण जन की ब्राह्मणी को भी इस दिन सुहाग की सामग्री सभी व्यक्तियों को दान करनी चाहिए। शनि अमावस्या है तो इस दिन काले चने का अपना विशेष महत्व है। काले चने का दान भी शनि संबंधी परेशानियों को दूर करता है। इस दिन जो है काले चने वट वृक्ष के नीचे समर्पित किए जाते हैं प्रसाद के रूप में और भोग के रूप में इन्हें खाया भी जाता है व्रत खोलने से पहले। तो सभी का अपना अपना मान्यता है, अपनी अपने रिवाज के अनुसार है। जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड में वट सावित्री वट का डोरा लिया जाता है। डोरा जो है पूरे साल भर पहना जाता है और अगले साल जो है इसे खोला जाता है। सुहागिन महिलाएँ कई खुद निर्माण करती हैं, कई चीज़ें जो है बाजार से भी यह मिल जाती है या ब्राह्मण लेकर आते हैं। तो सभी का इसका अपना अपना विधान है। ब्राह्मण आए हैं तो उन्हें भोजन देकर एक समय का विदा करें और सभी को जितना संभव हो अपने कुटुंबजनों को, कुटुंब के वासियों को सुहाग की सामग्री जरूर से दें। जितना संभव हो वट वृक्ष के नीचे आप सभी आवश्यक रूप से दीप प्रज्वलित करें। बहुत सुखद फलों की प्रार्थना प्राप्ति होती है। महादेव के मंदिर में जाकर भी प्रार्थना करें और माँ पार्वती को भी सुहाग की सामग्री जरूर से दान करें। अपने आप में यह दिव्य सबसे सुंदर व्रत के में देखा जाता है। सभी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें, पति को पंखा करें और उनका भी आशीर्वाद लें, उन्हें भी तिलक इत्यादि निकालें। बस इसी तरह से सरल सी पूजा होती है जो सभी को करनी है। आप भी कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। हर हर महादेव। जय श्री शंभु।